नमस्कार, मैं आरती बघेल, स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मरीज की मौत पर हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा। दरअसल पूरा मामला थाना नई मंडी क्षेत्र में स्थित सुशीला राजवंशी हॉस्पिटल का है, जहां पर हॉस्पिटल में सुबह के समय थाना मसूरपुर क्षेत्र के दीन दहाड़े निवासी व्यक्ति अरविंद कुमार की मौत हो गई, जिस पर मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना पर पहुंची थाना नई मंडी पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को बड़े ही मुश्किल से शांत किया और हंगामा कर रहे परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना नई मंडी पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील राजवंशी ने घटना के संबंध में बताया कि मृतक व्यक्ति का उनके यहाँ काफ़ी समय से दिल का इलाज चल रहा था। मृतक का दिल फैला हुआ था। मृतक के परिजन कल मरीज को इलाज के पश्चात हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर ले गए थे, जिसके पश्चात आज सुबह मरीज की तबीयत खराब होने पर मेरा नाम पंकज राठी है, मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूं। एक मरीज था, हमारे चाचा लगते थे और वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, तो कल उनका लड़का अंकित राठी उनको यहाँ सुशील राजवंशी के हॉस्पिटल में ले गया। इन्होंने उसे जो है प्रथम ट्रीटमेंट दिया और ये अंकित राठी बार बार कहता रहा कि इन्हें एडमिट कर लो, इनकी हालत ख़राब है, इन्हें एडमिट कर लो, लेकिन डॉक्टर ने कोई सुनवाई नहीं करी इसकी। ये मजबूर होकर घर लेकर गया उन्हें। कौन से डॉक्टर यहाँ पे लेकर आए? सुशील राजवंशी जी। आज फिर 10 बजे लेकर आए, लगभग 8 बजे से पहले आज फिर लेकर आए ये, और उनकी हालत बेहद ख़राब थी क्योंकि ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, तो इसी वजह से इन्हीं के ही ले गए। और आते के साथ ही ऑक्सीजन की कमी थी, इसने वहाँ जो नर्स था, स्टाफ था, डॉक्टर थे, सबको कहा कि इनको ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, हालत ज़्यादा ख़राब है। आध घंटे तक ये डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते रहे, जी मेरे पिताजी को देख लो, इनकी हालत ज़्यादा ख़राब, और वो इसी दौरान गुजर गए। तो अब आप लोग क्या चाहते हो, आप थाने में आए हो? अब हम जो है डॉक्टर के ख़िलाफ़ FIR करेंगे और उसके खिलाफ हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन मुकदमा कायम करे। एक आदमी की जान की कीमत ये लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। जिनकी डेथ हुई है, क्या नाम था, कितनी एज होगी उनकी? उनकी 55 साल के करीब एज थी। और डॉक्टर साहब से हमने जब बात करी, हम थे, हमारे साथ नवीन राठी थे, भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव हैं, और कई लोग जिम्मेदार लोग थे, पूर्व प्रधान, तो उनका व्यवहार हमारे प्रति गलत रहा। उन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि जब इतनी भीड़ है तो मैं क्या करूँ, मैं तो भाई जो है मुझे नहीं पता कौन मर गया कौन नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो? हम उनके खिलाफ FIR दे रहे हैं और प्रशासन से जो है हम मांग करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा। मृतक का नाम क्या था? अरविंद कुमार, आगे रहने वाले, दुद्दा ID, थाना क्षेत्र मंसूरपुर। क्या पूरा मामला? नहीं, मैं तो समझता नहीं कि कोई इसमें हंगामे वाली बात है। एक मरीज जो कल मेरे पास दिखाने आया था, अरविंद कुमार, दुद्याड़ी गांव से, तो वो दमे का और उसका पुराने दमे होने की वजह से दिल फैला हुआ था, सांस में उसे दिक्कत महसूस हो रही थी। कल उसने मुझे देखा तो कल भी मैंने उनको बताया था कि हालत ख़राब है, आप चाहो तो भर्ती कर दो। उन्होंने दवाई लिखवा ली, उनके घर में खुद उनका छोटा भाई डॉक्टर है, उसने कहा कि वो हम उसे दिखा देंगे। मैंने उससे फ़ोन पर भी बात करी थी, उसने कहा ठीक है। दवा देने के बाद मैंने उनको दवाई दे के बुलाया कि भाई आप खुद आ जाना दिखाने। तो आज वो हालत में सुधार हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, आज वो सुबह आए होंगे। जब वो हमारे घर पर वो आए, मतलब क्लिनिक पर उनका लड़का आया, तो मैंने उनको कहा कि भैया आप अंदर अंदर लेटा लो। तो उसने कंपाउंडर से वो की होगी, तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में तो बेड खाली नहीं है, तो उसने स्ट्रेचर पर लेटाया। मैं दूसरे मरीज को राउंड ले रहा था वार्ड में, वो भी दिल का मरीज़ था, और उसको देखने के बाद वो कह रहे कि आपने तुरंत नहीं देखा, तो मैंने उनको समझाया, तो मेरे बेटे ने देखा जो कि खुद दिल का डॉक्टर है, उसने बताया कि आपका पेशेंट एक्सपायर्ड है। बस वो एक्सपायर्ड सुनने के बाद शोर मचाने लगे, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बहुत अपशब्द कहे और हमने उसकी इत्तला नई मंडी थाने को दे दी, और उसके बाद किन कारणों से पेशेंट की मौत? भैया लगता ये है कि उसकी अचानक दिल की धड़कन बंद हो गई। आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर साहब के ऊपर? नहीं, मैंने तो उसका इलाज नहीं किया, मैंने तो आज देखा ही नहीं। मेरे पास तो जब उन्होंने लिटाया देखा तो एक्सपायर था, पहले मेरे बेटे ने बचाया, कोशिश करी, फिर मैंने करी कोशिश, पर एक्सपायर्ड पेशेंट को दोबारा से बचाना बहुत मुश्किल। आपकी तरफ से सही ट्रीटमेंट करा गया था? मेरे हिसाब से आज तो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, नहीं, आज तो केवल उसकी जीवन रक्षण, उसकी धड़कन बचाने के लिए धड़कन मिली, पर उसमें जान नहीं थी तो नहीं बच पाया, और तब धड़कन थी नहीं शुरू में।